हेलो एवरीवन, मैं मनीष, आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। सो कंटिन्यू करते हैं लिटरेचर 100 जो हमारा सीरीज चल रहा है मैराथन क्लास, उसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ी तबीयत ठीक ना होने की वजह से रात में क्लासेस नहीं चल पा रही है। देखो आज ठीक रहेगा तो आज चलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखिए। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट्स मोंटेग, इट इज नॉर हर नॉर हैंड नॉर फुट नॉर हार्म नॉर फेस नॉर आर्म नॉर फेस नॉर एनी अदर पार्ट बिलोंगिंग टू अ मैन ओ बी सम अदर नेम What's in a name? That which we call a rose by any other word would smell as sweet. देखो आपको ये वाली लाइन तो जरूर याद होगा कि यदि हम रोज को किसी दूसरे नाम से कहें तो क्या वो दूसरा हो जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे कॉन्टेंट है। आपको पता होगा मोंटेग आ चुका है शुरू में ही, ये रोमियो एंड जूलियट में जो है, जूलियट का बेसिकली यहाँ पर ये स्पीच है। ठीक है, ठीक है, सो इट स्पीच है किसका, हमारे जूलियट का। चलो, विद द एसेसन ऑफ किंग जेम्स टू द इंग्लिश थ्रोन लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन वाज रीनेम। तो लॉर्ड चैम्बरलेन जो मेन क्लब है, ठीक है, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन जो क्लब है, ये देखो ये वही क्लब है जहाँ पर विलियम शेक्सपियर क्या करना स्टार्ट किए थे, अपना वर्क इन्होंने स्टार्ट किया था। और आपको पता होगा कि जब विलियम शेक्सपियर यहाँ पर जब ये क्या करते हैं उसको, जब किंग जेम्स वहाँ पे किंग बनता है, उसका नाम क्या बदल के हो जाता है, किंग जेम्स जो करके उसका नाम वहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, नंबर 13, द एपिग्राफ फ्रॉम द वेस्ट एंड इज बोरोड फ्रॉम, तो एपिग्राफ जो है द वेस्ट रेंड का, उसे कहाँ से बोरो किया गया, ये आपके सामने बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सो सबसे पहली बात जो द वेस्ट रेंड का एपिग्राफ है उसके बारे में प्रश्न, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे और इसका जवाब भी आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलो, सो इसे कहाँ से बोरो किया गया था गाइस, ये पेट्रोनिस से जो है बोरो किया गया। हु कॉल्ड द वेस्ट एंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज, किसने जो है वेस्ट एंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा है। ठीक है, वेस्ट एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वेस्ट एंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, सो वेस्ट एंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा जी भक्ति सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, सो वेस्ट एंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही जो आपका आई ए रिचार्ड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, और देखो मैंने कुछ वीडियोज और आपको प्रोवाइड करवा दी है, आप उसको चेक करते रहना, समय समय में आपको हेल्पफुल वीडियोज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, एस्टेला इज द एडॉप्टेड डॉटर ऑफ, ठीक है, तो एस्टेला जो है किसकी अडोप्टेड डॉटर है, यस गाइस, वो मिस हैविसमैन की अडोप्टेड डॉटर है, यहाँ पर एस्टेला है। Which book of John Ruskin influenced महात्मा गांधी, तो John Ruskin का कौन सा बुक था जिससे महात्मा गांधी प्रभावित हुए, तो चलो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना ये। देखो ये सारे क्वेश्चन आई थिंक ये थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आप इसको काउंट कर सकते हो। सो यहाँ प्रश्न यही है कि विच बुक ऑफ John Ruskin, John Ruskin का कौन सा बुक था जो महात्मा गांधी को इन्फ्लुएंस करता, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको होपफुली देखने को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, सो ऑन टू दिस लास्ट करके उस बुक का नाम है John Ruskin का, जिसने महात्मा गांधी क्या किया था वहाँ पे इफेक्ट किया। ठीक है, सो बात करूँ अगर मैं John Ruskin के बारे में, देखो एक अच्छे John Ruskin के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन रखे रहिए अपने पास। ठीक है, अभी मैंने कल आपको इम्पोर्टेंट ऑथर्स वगैरह भी बता दिए। तो देखो John Ruskin का बारे में बात करें तो 1819 में इनका जन्म होता है और 1900 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अगर आपसे पैसा पूछा तो बेसिकली ये क्या थे, एक इंग्लिश राइटर थे,
एक फिलोसफर भी आप इनको जो है कंसिडर कर सकते हो, फिलोसफर, ठीक है। और यहाँ पे ये एक क्रिटिक भी रह चुके हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चंस जो इनसे, जो जॉन रस्किन से देखो जो क्वेश्चन बनता है, मैं आपको सीधे उस पॉइंट पे ले जाता हूँ। आपसे पूछा जाता है कि जॉन रस्किन जो है किस टाइप के वर्क्स को लिखा करते, ठीक है। जॉन रस्किन का जो वर्क हुआ करता था उसका गाइज बेसिकली थीम क्या होता है, ठीक है। सो चलो थीम के बारे में आपको बता दूँ। ये वेरियस सब्जेक्ट बेसिकली लिखा करते थे, पर जिनका सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हुआ करते, ये देखो मिथ पे लिखा करते थे, मिथ हो गया, ठीक है। और एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि ये देखो एक फिलोसफर भी थे, एजुकेशन हो गया, ठीक है। और पॉलिटिक्स के ऊपर भी, ठीक है जी। मनीषा मोनिका कंचन जी नमस्ते, ठीक है। सो देखो ये जॉन रस्किन के बारे में बातें हैं, बाकी अब यार इनके बारे में डिटेल पर डिस्कशन करने जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज ध्यान देना कि ये विक्टोरियन एरा से है, विक्टोरियन एरा, ठीक है। अगर आपको इनके वर्क के बारे में पूछा जाए तो आप इनके वर्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट, मैं आपको आपके वर्क के कुछ नाम बता देता हूँ यहाँ पर। यहाँ आप लिख देना जॉन रस्किन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, आप उनके नाम को आप वहां पे देख लेना। सबसे पहला जो इनका वर्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन रस्किन का, वो है मॉडर्न पेंटर्स। क्या नाम है दोस्तों उसका? मॉडर्न पेंटर्स। और इससे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बन के आता है, ये कितने वॉल्यूम्स में गाइस? ये 5 वॉल्यूम्स में आया हुआ है, ठीक है। मॉडर्न पेंटर्स करके इनका वर्क का नाम है। उसके बाद है द 7 लैंप्स ऑफ आर्किटेक्चर। देखो ये आर्किटेक्ट पे भी दिखा करते थे। सो नेक्स्ट है द 7 लैंप्स ऑफ ठीक है द 7 लैंप्स ऑफ आर्किटेक्चर, द स्टोन ऑफ वेनिस, ये शायद देखो यहाँ पे इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। और अनटू हिज लास्ट, देखो भाई इनके नोवेल्स आर मार्क्ड बाय, इसको किसके द्वारा मार्क किया गया, ये देखो आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पर। सो कैथोलिक से बिलोंग करते तो कैथोलिक मिसेज का सही जवाब हो जाएगा। द टाइटल ऑफ द पोयम द सेकंड कमिंग इज टेकन फ्रॉम, जो सेकंड कमिंग जो पोयम है उसका टाइटल कहाँ से दिया गया गाइस? उसका टाइटल दिया गया बाइबल से, ठीक है। सेकंड कमिंग ध्यान देना इसको, द सेकंड कमिंग, अच्छा बाइबल हो गया, द आयरिश मेथोलॉजी हो गया यहाँ पर, और नाम देखो यहाँ पे दिया गया है जर्मन मेथोलॉजी, ठीक है। ये ढेर सारे बातें हैं, बट दो ये पोयम कहाँ से दिया गया है, इसके ऑथर का नाम याद रखना, WB Yeats करके है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पोयम है यहाँ पर, ठीक है, जिसको जो है 1919 में उन्होंने कंपोज किया है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। कंचन हैप्पी जन्माष्टमी, ठीक है। द मेन कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट एंड बुक सेकेंड, तो पैराडाइज लॉस्ट का जो बुक फर्स्ट था और बुक सेकेंड था, उसका मेन कैरेक्टर कौन? देखो पैराडाइज लॉस्ट को अगर आप थ्रूली देखते हो, सो वहाँ पे हमको सैटर्न ही जो है हमको वहाँ पे मेन कैरेक्टर के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। इन सन्स एंड लवर्स पॉल मोरेल्स मदर्स नेम इज, जो सन्स एंड लवर्स बुक है, देखो मैंने इसके बारे में कल आपको डिस्कस करवाया था, कुछ जानकारी मैंने आपको दिया था यहाँ पर। सो सन्स एंड लवर्स नाम का जो बुक है उसमें पॉल की मदर का क्या नाम होता है गाइस? ये देखो आपके सामने क्वेश्चन है, सन्स एंड लवर्स। सबसे पहली बात तो ये बुक किसने लिखा है, आपको कुछ याद आता होगा, अभी हमने इसको कल ही देखा था, ये बुक दिखा गया DH, ठीक है। किसने लिखा है इसको? DH लॉरेंस ने इस बुक को लिखा है। ये बेसिकली क्या है गाइस? एक नोवेल है, कब आया था? 1930, ठीक है। आसान से जो आगे मूवीज वगैरह भी शायद आगे बनी होगी, तो इसमें अगर आपसे पूछा है उसकी माँ का क्या नाम है गाइस, तो उसकी माँ का नाम वहाँ पे देखो रखा है गर्टरूड, ठीक है। द ट्विंस इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आर, तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज देखो ये इंपॉर्टेंट बुक है, तो लार्फ एंड जैक, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो ट्विन है उसमें कौन है? सैम एंड एरिक, लार्फ एंड एरिक, साइमन एंड जैक। तो गाइज अगर बात की जाए तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बुक किसका है? सो गाइज ये बुक जो है विलियम गोल्डिंग का है, ठीक है। क्या नाम है उनका? विलियम गोल्डिंग का है, ठीक है। 1954 में इसको लिखा गया था और ये एक नॉवल है,
और मैं आपको बता दूं कि विलियम गोल्डिंग क्या है, एक नोबेल प्राइज विनर है। कौन है? एक नोबेल प्राइज विनर है, ठीक है गाइस, नोबेल प्राइज विनर। ठीक है, सो हाँ 10th का सी, ठीक है, गर्ट्रूड उसका नाम था। अभी यहाँ पूछ रहा था ट्विंस इन रॉड एंड फ्लाइज, तो रॉड एंड फ्लाइज में देखो ट्विंस का क्या नाम है दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ पर, नहीं जानते होंगे तो ये देख लो, बेसिकली यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, सैम एंड एरिक करके दो ट्विंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज द सब टाइटल अ हीरो विदाउट अ हीरो, क्या अच्छा नाम है यहाँ पर, ठीक है, अ हीरो विदाउट हीरो। देखो इसके बारे में भी मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, ठीक है, वही देखो जो एक क्वेश्चन मैंने एक क्लास में करवाया था उसी को मैं रिपीट करवाऊँ ताकि आपको वहाँ पे उसको अच्छे से आप मेमोराइज कर लो। ठीक है, अ हीरो विद अ हीरो ये किसका सब टाइटल है, तो आपको मैं याद आता होगा आपको यहाँ पर एक वर्क वेनिटी फेयर का नाम आपको यहाँ पर याद आता होगा। सो गाइज वेनिटी फेयर का जो सब टाइटल है वो क्या है, अ नोवेल विदाउट अ हीरो, क्या नाम इसका ये है। ठीक है, अगर इसके बात की जाए तो ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, इसका नाम आप सभी को पता होगा, याद होगा आपको। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया गाइस, अभी हमने कल ही इनके बायोग्राफी को डिस्कस किया था, रिटन बाय विलियम मैकपीस, विलियम मैकपीस ठाकरे का वर्क है वैनिटी फेयर। ठीक है, उसी का सब टाइटल है अ नोवेल विदाउट हीरो। सो ध्यान दो दोस्तों इन सारे फैक्ट्स के ऊपर जो मैंने कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था कि उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट जो मॉडर्न लिटरेचर, तो मॉडर्न लिटरेचर में यही सारे वर्क आपको देख के जाने होंगे। ठीक है, ये देखो विक्टोरियन पीरियड के नॉवलिस्ट थे और तो इनको यहाँ पर, इसको यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैनिटी फेयर, आगे बढ़ते हो। इन रेडा एंड द स्वान हुज लोडा रेडा इन गाइज ऑफ अ स्वान, तो देखो रेडा एंड द स्वान के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखो मैक्सिमम आपको यहाँ पे यूजीसी नेट वाले क्वेश्चन अभी दिखने को मिलते हैं, उसके आगे और टीजीटी पीजीटी वाले क्वेश्चन भी आते हैं। रेडा एंड द स्वान, सबसे पहली बात तो ये है क्या, रेडा एंड द स्वान जो है किसका वर्क है, सबसे पहली बात तो ये वर्क है डब्ल्यू बी ईट्स का, ठीक है, विलियम बटलर ईट्स का है। और क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ रहा है कि रेडा एंड द स्वान में रेडा जो है किसके गाइज में, मतलब किसके रूप में जो है रूप बदल के वो आती है। ठीक है, मतलब कौन जो है रेडा को वू करता है, ठीक है, और वो वेश बदल के। सो गाइज ज्यूस जो कैरेक्टर है यहाँ पे, ज्यूस जो है इसको यहाँ पर आप करेक्ट मानोगे, रेडा एंड द स्वान बाय डब्ल्यू बटर विलियम बटलर ईट्स। हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम, सो स्प्रंग रिदम जो टर्म था इसको इन्वेंट करने का श्रेय किसको जाता है गाइस, तो आपको पता होगा इसका श्रेय किसने किया, हॉपकिंस ने जो है इस टर्म को कॉइन किया हुआ है स्प्रंग रिदम को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, चलो इसको देखते हैं हम सभी लोग। तो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के बारे में देखो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा जो है डिस्क्रिप्शन एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, सो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो, रोमांटिक लव इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉरल कंडक्ट, इट्स फॉर्मल एंड डिग्निफाइड यूज ऑफ स्पीच वाज डिस्टेंट फ्रॉम एवरी डे यूज ऑफ इंग्लिश। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट है, नॉट एन एक्यूरेट है, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि जो ओल्ड इंग्लिश जो पोएट्री हुआ करती थी उसकी जो लैंग्वेज इतनी हार्ड हुआ करती थी कि सभी लोग उसको बोल पाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। ठीक है, और क्या होता है, आयरनी इज अ मोड ऑफ प्रिसेप्शन एज मच एज इट वॉज अ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है भाई, आयरनी वहाँ प्रिसेप्शन का काम करता था। क्रिश्चियन एंड पैगन आइडियल्स आर समटाइम्स मिक्स्ड। ठीक है, तो देखो तीनों यहाँ पर एक्यूरेट है, बट रोमांटिक लव जो था उस समय मॉरल कंडक्ट के लिए वहाँ पर वो नहीं था। सो 15 का जी बी नहीं होगा, 15 का यहाँ करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और लाइक 15 का यहाँ देखो ए सही होगा ना, ध्यान देना इसको। उसका लैंग्वेज था ऐसा, ये लैंग्वेज मतलब बहुत ही उसका लैंग्वेज था टफ लैंग्वेज था, टफ लैंग्वेज था कि एवरी डे आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। हु रोट द पोयम डिफेंस ऑफ लखनऊ, बहुत अच्छे बहुत शानदार क्वेश्चन है गाइस, डिफेंस ऑफ लखनऊ, चलो डिफेंस ऑफ लखनऊ जो है किसने लिखा है, आपको याद होगा मैंने जो क्लास ली थी टेनिसन वाली उसमें मैंने डिफेंस ऑफ लखनऊ के बारे में बताया हुआ है।
चलो सो जल्दी इसका जवाब दो मुझे, जल्दी कमेंट करो कि डिफेंस ऑफ लखनऊ बड़ा ही बेसिक सा पोयम है, ठीक है। डिफेंस ऑफ लखनऊ किसने लिखा है गाइस? अल्फ्रेड डॉट टेनिसन ने, ठीक है ना, अल्फ्रेड डॉट टेनिसन ने यहाँ पर लिखा है। चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग। जी सरिता हेलो, जय श्री का, गुड आफ्टरनून, ठीक है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर इन टेम्पेस्ट हु इज रेफर्ड एज एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर। तो टेम्पेस्ट में कौन सा कैरेक्टर है जिसको हम सब ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नंबर 17 यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर नंबर 17 के बारे में आपको बताऊँ अगर, तो ये कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे होता है? सो गोंजालो नाम का जो कैरेक्टर है वहाँ टेम्पेस्ट में, वो इसको हम सब ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर के रूप में उसको वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट इज आर्टिस्टिक फेलियर? सो टी एस एलियट के अकॉर्डिंग कौन सा प्ले जो है विलियम शेक्सपियर का, वो एक आर्टिस्टिक फेलियर है, ठीक है। सो आर्टिस्टिक फेलियर के बारे में बात करें तो ये हेमलेट है, और आर्टिस्टिक सक्सेस के बारे में बात करूं अगर मैं, सक्सेस कौन था वहां पे दोस्तों? वो था मैकबेथ, ठीक है। एक टर्म था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाता था कि, ठीक है जी सरिता कंचन, चलो। सो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म था उससे ये देखा जाता था, ये टी एस एलियट ने उसके हिसाब से जज करके बताया कि टेम्पेस्ट क्या है और हेमलेट क्या है, वो आर्टिस्टिक फेलियर है, ओके। हु कॉइंड द फ्रेज इगोटिस्टिकल सबलाइन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस आपके लिए, इगोटिस्टिकल सबलाइन। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में मिलते हैं, ठीक है। इगोटिस्टिकल सबलाइन, इस टर्म को किसने कॉइन किया, ठीक है। चलो किसने किया गाइस? तो बहुत अच्छे, जॉन कीट्स इज द आंसर, नंबर 19, ठीक है। जॉन कीट्स इज द आंसर। जॉन कीट्स जो थे उन्होंने एक टर्म का यूज किया था, इगोस्टिकल सबलाइन, ठीक है। आगे देखो, हु इज कॉमनली नोन एज पिप इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन? जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो नॉवल है, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का, उसमें पिप नाम का कैरेक्टर का पूरा नाम किया है, ठीक है। तो पिप नाम का पूरा नाम किया है दोस्तों वहां पे, फिलिप पिरिप करके जो कैरेक्टर है वहां पे, फिलिप पिरिप का, उसी का शॉर्ट नेम क्या है वहां पे दोस्तों? पिप है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नोबेल ऑफ डी एच लॉरेंस? तो डी एच लॉरेंस का इनमें से पहला नोबेल कौन सा है गाइस? सो द आंसर इज द वाइट पिकॉक। तो वाइट पिकॉक जो है वो डी एच लॉरेंस का पहला नोबेल हम सब कंसिडर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नोबेल जी कंसर्न, बिल्कुल सरिता, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, किड्स, ओके। सो डी एच लॉरेंस का जो पहला नॉवेल उसका नाम है गाइस द वाइट पीकॉक, जी ठीक है, ए करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं आगे 22nd की ओर। सेली वाज अ फर्म बिलीवर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो जो पीबी सेली के बारे में आपसे पूछ रहा है कि पीबी सेली जो थे बिलीवर थे, किसके बिलीवर है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है, तो किसके बिलीवर वो है, एक को छोड़कर, पर्सनल फ्रीडम, ओके। सो पर्सनल फ्रीडम के बिल्कुल ये बिलीवर है, द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है, द पावर ऑफ लव, ठीक है। ह्यूमन कंडक्ट बेस्ड ऑन कन्विक्शन, तो ह्यूमन कंडक्ट बेस्ड ऑन कन्विक्शन उसकी वो बेसिकली गाइस क्या थे वहां पर, वो खिलाफ थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी 22nd का डी जो है हमारा यहाँ करेक्ट होगा। हु रोट शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज? सो शेक्सपियर लेटर कॉमेडीज नाम का जो वर्क है ये किसने लिखा है गाइस, ठीक है। तो डीजे पालमर करके एक व्यक्ति हैं, सो डीजे पालमर ने क्या लिखा है? शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज। 23rd का क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द कंडक्ट ऑफ द एलाइज इज अ फेमस वर्क ऑफ, कंडक्ट ऑफ द एलाइज ये किसका वर्क है? कंडक्ट ऑफ द एलाइज ये किसका वर्क है दोस्तों? सो कंडक्ट ऑफ द एलाइज इज अ फेमस वर्क ऑफ जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट का जो एक फेमस वर्क है द कंडक्ट ऑफ द एलाइज, ओके। चलो सी कैन नॉट फेड दाउ, दाउ हैस्ट नॉट द ब्रीज, फॉर एवर विट दाउ लव एंड सी बी फेयर, ये लाइन जो है कहाँ से दी गई? 25th नंबर देखो, बड़ा अच्छा लाइन है। किड्स का वर्क था ओवर टू अ नाइटिंगल से, ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से, अजी दीपक हेलो, ठीक है, और ला बेलेडियमसेंस मर्सी से, या ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। तो ये लाइन्स जो है गाइस ग्रेड ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न से
ठीक है। वाट वाज विलम, सो विलम क्या होता है, वाट वाज विलम क्या होता है गाइस, ये आपको यहाँ पर देखना है। 26 नंबर में आपसे पूछा कि विलम क्या होता है। पार्चमेंट मेड ऑफ एनिमल स्क्रीम, द सर्विस और टू अ लॉर्ड बाई हिज प्रेजेंट्स, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, अप्रेस्ड इंक यूज्ड इन द इल्यूमिनेशन ऑफ प्रेस्टिजियस मैन्युस्क्रिप्ट। सो गाइस विलम का मतलब होता है पार्चमेंट मेड ऑफ एनिमल स्किल, ठीक है, उसको हमसे क्या कहते हैं दोस्तों वहां पे विलम, ठीक है, विलम का। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग, तो पहला इंग्लिश क्रिश्चियन किंग के बारे में बात की जाए तो अल्फ्रेड रिचर्ड थर्ड, सेकेंड स्पीड से, हाँ क्वेश्चन मिस्टर सिंह स्पीड से ही करवा रहा हूँ ना। सो फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग के बारे में बात की जाए तो उसका नाम आपको देखने को मिलता है क्या यहाँ पर दोस्तों, अथलब्रेड। अथलब्रेड जो है इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश किंग है, ठीक है। इन एंग्लो सैक्सन हेरोइक पोएट्री व्हाट इज द फेट ऑफ दोज हु फेल टू ऑब्जर्व द सेक्रेट ड्यूटी ऑफ ब्लड वेनेजेंस। तो एंग्लो सैक्सन हेरोइक पोएट्री के बारे में बात की जाए सो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, हाँ ठीक है, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है जो कि अपना जो ब्लड विजन्स का मतलब क्या होता है, खून का बदला, तो जो अपने खून का बदला ना दे पाता उसके साथ क्या होता है गाइस, तो उसको जो है एवर लास्टिंग सेम, उसको जो है क्या होता है वहाँ पे उसको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है जो कि एवर लास्टिंग होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड नॉट को एग्जिस्ट इन एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड। सो गाइस एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड के बारे में बात की जाए तो लैटिन लैंग्वेज थी, फ्रेंच थी और सेल्टिक लैंग्वेज भी थी, बट जो डचिस लैंग्वेज थी वो एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में याद होगा, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स आप पढ़ा होगा आपने जरूर ही, इसका टाइम पीरियड होता है 1066 से 1340 तक के टाइम पीरियड को हम सब एंग्लो नॉर्मन बात करके चलते हैं, ठीक है। चलो इन अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मिल्टन्स शार्प हेटोरिकल प्रोज, मिल्टन डिनाउंसेस विंसम क्लासेस नाम से एक ग्रुप है, ये जो आपके चैनल का नाम है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा विंसम क्लासेस। ओके सो कौन सा वर्क है जिसमें जो है ये क्या कहते हैं डिनाउंसेस रिस्ट्रिक्ट सेंसरशिप, ठीक है, आर्ग्यूइंग फॉर फ्रीडम ऑफ द, ठीक है, प्रेस। तो प्रेस की आजादी के लिए इनमें से कौन सा जो है वो पैम्फलेट जॉन मिल्टन ने लिखा था, तो आपको याद होगा दोस्तों एरियोपेजिटिका जो है जॉन मिल्टन का वर्क है जो उन्होंने लिखा था प्रेस की आजादी के, ठीक है। अगनेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू कंसर्निंग जॉन मिल्टन्स पोएट्री। सो जॉन मिल्टन के पोएट्री के बारे में बात करें तो कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो ही फॉलोड द शेक्सपियरियन रेदर देन द पेट्रार्कियन सोनेट फॉर्म। सो गाइज ये गलत है, जी हाँ बात ठीक है दीपक। चलो सो इन्होंने शेक्सपियरियन सोनेट्स का यूज नहीं किया था गाइज, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ गलत हो जाएगा। ही फॉलोड द पेट्रार्कन, ठीक है, तो इन्होंने किसका यूज किया था गाइज, पेट्रार्कन सोनेट का यूज किया था, सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। ही फॉलोड द स्पेंसेरियन, स्पेंसेरियन का इन्होंने यूज नहीं किया था, ठीक है, स्पेंसेरियन रेदर देन पेट्रार्कन, ठीक है, तो ये देखो गलत है आपका, इसने पेट्रार्कन सोनेट को यूज किया। मिस्टर सिंह आप गूगल पर सर्च कर लो, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा गूगल पे सर्च करोगे ना ऐसे ही यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो किसी दूसरे स्टेट के टीजीटी क्वेश्चंस, पीजीटी क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस वहाँ मिल जाएंगे, आप उसको एक जगह पे कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट डील्स मेनली विद द बिब्लिकल इवेंट, तो कौन सा इवेंट था जिससे जो है जॉन मिल्टन का जो क्या वर्क है पैराडाइज रीगेंड, अच्छा सॉरी पैराडाइज रीगेंड जो है किस पर बेस्ड है, ठीक है, किस पर बेस्ड है, बेस ऑफ पैराडाइज रीगेंड, तो आपको पता होगा जो टेम्पटेशन ऑफ कीस्ट क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट जो टेम्प्ट करता है कौन, आपका अपना सैटर्न, उसी पे बेस्ड करके इन्होंने दिखा था जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रीगेंट को। ओके विच वन इज द लॉन्गेस्ट बुक इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, तो गाइस पैराडाइज लॉस्ट की सबसे लंबी किताब का क्या नाम है दोस्तों, सो जरूर आपको पता होगा बुक नंबर 9 इज द लॉन्गेस्ट बुक, ठीक है। विच इज द शॉर्टेस्ट बुक, तो शॉर्टेस्ट बुक का नाम आपसे देखो पूछा गया गाइस, तो बुक नंबर 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक है पैराडाइज लॉस्ट की, बुक नंबर जो 7 है वो सबसे शॉर्टेस्ट किताब है, ठीक है।
अब फंसेंगे नहीं फंसेंगे मिस्टर सिंह, अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, बट क्वेश्चंस हैं, आप उसको देख सकते हो अच्छे से जो हो रहा है, आना चाहिए। सेटन्स नेम बिफोर ही फेल फ्रॉम हेवन, तो हेवन से वो जब उसको निकाला जाता है तो उससे पहले इसका नाम क्या होता है दोस्तों, उसका नाम होता है लूसीफर। ठीक है चलो, हाँ बुक नंबर 9 जो था उनका शॉर्टेस्ट बुक था। ठीक है दीपक, चलो आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। बुक वन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट प्रेजेंट सेटन, देखो ये थोड़ा क्वेश्चन है, लंबा है बट क्वेश्चन में है कुछ नहीं, क्वेश्चन सिर्फ नाम भर का लंबा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो सेटन विथ हिज एंगल्स फॉलन इन टू हेल, वेन रिकवर्ड सेंटर सेटन अवेकन्स ऑल हिज रीजन्स एंड स्पीक टू देम, द फर्स्ट ही एड्रेसेस इज डिस्क्राइब्ड एज वन नेक्स्ट टू हिमसेल्फ इन पावर एंड नेक्स्ट इन क्राइम रॉन्ग आफ्टर नोन इन पैलेस्टाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फॉलन एंजल। तो सेटन का जो सेकेंड इन कमांड था वो आपसे, देखो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 36 में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है गाइज, बिल्कुल क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है बाकी इसमें जान कुछ नहीं है, बिल्कुल दीपक। 36 का सी हमारा करेक्ट है, उसका नाम था बेल्जीबब। ठीक है जी कंचन, बी नहीं होगा, मोलोच नहीं, उसका नाम था बेल्जीबब, वाज द वहाँ पे वो था ना जो कि उसके सेकेंड है, वन नेक्स्ट टू हिमसेल्फ, वन नेक्स्ट टू मतलब उसके नेक्स्ट जो था वो कौन था वहाँ पे, बेल्जीबब था। ओके चलो, द टू आर्कएंगल्स हु सर्व एज जनरल्स इन गॉड्स आर्मी आर, सो भगवान की सेना में जो गॉड की आर्मी थी उसमें दो आर्क एंगल्स जो कि एंगल्स के जो हेड थे उसमें जनरल्स का काम कौन करते थे गाइस, तो राफेल और गैब्रियल करके जो ये नाम है वो यहाँ पर थे। ठीक है, थ्रू आउट द पोयम सेटन ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इन टू मैनी क्रिएचर्स, विच क्रिएचर डज सेटन नॉट टर्न इन टू। देखो सेटन जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स में आपको बदलता है, वो खुद को एक, हाँ जी ठीक है, कंचन चेरप बन जाता है, टॉड बन जाता है, एक सर्पेंट बना देता है, बट वो या एक माउस का कैरेक्टर वो वहां पर नहीं बनता है। ठीक है, द मेन रीजन ऑफ एडम्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड है। तो 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप क्या समझोगे, 39 नंबर क्वेश्चन आप इसको थोड़ा आप खुद से देखो, तो लस्ट है, लव फॉर ईव है, प्राइड है और मनी है। तो एडम का जो फॉल होता है स्वर्ग से, तो आप इसको कैसे कंसिडर करोगे। ठीक है ए बिल्कुल दीपक, सो लस्ट था, लव फॉर ईव था, देखो अब उसने लव फॉर ईव आपका सही जवाब होना चाहिए था, लव फॉर ईव आपका यहाँ करेक्ट जवाब हो सकता था, बट जो वो मानते हैं ना वो प्राइड को मानते हैं, वो क्या मानते हैं उसके गर्व को, उसका जो, क्योंकि वो लस्ट और मनी तो होता नहीं यहाँ पे, आपके सामने बी और सी बचते हैं ऑप्शंस 39 में। देखो होता क्या है, वो जो प्यार तो करता है ईव से, वो इसीलिए वो उस फ्रूट को खा जाता है, बट एडम्स के फॉल को यहाँ पर, क्योंकि जो है ना, आपको मैं एक चीज़ बात बता दूँ, शुरू में जो आपके गार्डन ऑफ ईडन का जो वो था पहरेदार था, वो बता देता है एडम को, देखो भाई सेटन आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, बट सेटन कहता है कि नहीं मुझे, बट एडम कहता है कि नहीं मुझे ईव पर भरोसा, उसको जो था इतना प्राइड था, घमंड था अपने व्यक्तित्व के ऊपर और अपने प्रेम के ऊपर, उसे इतना घमंड था कि वो जानता था कि ईव जो है बिना मेरे परमिशन के कुछ करेगी ही नहीं, तो उस रिफ्लेक्ट में हम जाते हैं वहाँ पे, तो आप इसको प्राइड को यहाँ पर सही जवाब कंसिडर करोगे। ठीक है ना, 39 का सी होगा। वेन गॉड सीज डेट एडम एंड ईव हैज डिसअवॉयड हिम, हु डज ही सेंड टू जज देम एंड द स्नेक, तो इनमें से किसको जो है गॉड भेजते हैं जब उनको पता चलता है कि एडम उनको डिसअवॉय किया है, तो गाइज वो बेसिकली माइकल को भेजते हैं कि माइकल को वो जाते हैं, वो वहाँ क्या करते हैं उनको जज करने के लिए। ठीक है, आफ्टर दे हैव बोथ ईटन फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज द फर्स्ट थिंग एडम एंड ईव डू इज, तो 41st नंबर देखो, जब वो सब खा लेते हैं। ठीक है देखो ये क्वेश्चन थोड़ा 41st नंबर देखो थोड़ा डीप गया, मैंने आपको बताया कि नेट का क्वेश्चन था ये, सो जब वो सब खा लेते हैं ना, तो उसके बाद वो गॉड से ना माफ़ी मांगते हैं, ना ही कपड़े पहनते हैं, ना ही एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, वो एक दूसरे का सेटिस्फाई करते हैं देयर सेक्सुअल डिजायर फॉर ईच अदर। ओके सो 41st का हमारा यहाँ पर सी करेक्ट होगा, दे सेटिस्फाई देयर सेक्सुअल डिजायर फॉर ईच अदर। व्हाट इज द स्टेट सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो पैराडाइज लॉस्ट का जो सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन वो क्या है, 42nd नंबर देखो। सो ऑप्शंस में आप जाओगे, द गॉड बिटवीन गुड एंड इविल,
ही विंस बैटल एंड सैटर्न्स ट्रेजिक फॉल द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, नहीं ये क्या होगा यहाँ पर, एडम एंड ईव्स डिसोबीडियंस, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब पूछ रहा है बर्ड आइज रीगेंट पब्लिश कब हुआ गाइस, 43rd नंबर, इससे आसान क्वेश्चन आपको पेपर में मिल भी नहीं सकता था। 1671 में बर्ड आइज रीगेंट जो बेसिकली वो हुआ, ठीक है। अब देखो 44 नंबर, देखो विच रोमांटिक राइटर रोट इन विच रोमांटिक राइटर रोट इन मोर देन वन ऑफ दीज पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म्स, ऐसे नॉवल ड्रामा पोइट्री। तो देखो यहाँ पर अगर बात करूँ मैं पीवी शेली की, सो पीवी शेली ने क्या लिखा यहाँ पर, पोयम भी लिखा इन्होंने, ठीक है, पोयम लिखा इन्होंने, इन्होंने ड्रामा भी लिखा था, ठीक है। और देखो यहाँ पर पीवी शेली करेक्ट होगा आपका। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी ड्रामा लिखा, पोएट्री लिखा, हिस्ट्री कॉलेज भी ड्रामा पोएट्री लिखा करते थे। जॉर्ज गॉर्डन रोड पायलोन ये भी लिखा था, तो ए बी सी तीनों करेक्ट होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ओके, सो 44 का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। हु हैज डिफाइंड पोएट्री एज अ फंडामेंटल क्रिएटिव एक्ट यूजिंग लैंग्वेजेस। देखो आपके जो चारों नाम आपको ऑप्शन पे दिखाई दे रहे हैं ना, आप इनके बारे में पढ़ के जाइएगा पेपर देने से, ठीक है। तो किसने पोएट्री को डिफाइन किया था एज फंडामेंटल क्रिएटिव एक्ट यूजिंग लैंग्वेज, तो इसका काम आपका देखने को मिलेगा डायलन थॉमस से, ठीक है। जेन ऑस्टिन का जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों, 46 नंबर आपसे पूछा, तो जेन ऑस्टिन का जन्म हुआ है हैम्पशायर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज थ्योरीज एंड द इवेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू विक्टोरियन फीलिंग रेस लाइक दे वर अ अनइक्वली स्पेशल सेंट्रल स्पीसीज इन द यूनिवर्स एंड मोर आइसोलेटेड। 47 नंबर देखो गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है। सो विक्टोरियन पीरियड के बारे में बात करें, तो विक्टोरियन पीरियड जो है ढेर सारी चीज़ों में जी, ठीक है, विक्टोरियन पीरियड जो थी ढेर सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फेमस थी ना, तो उसमें क्या ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है मुझे पता ही है। सो ये क्या होता है, इसमें देखो जियोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, एस्ट्रोनॉमी का भी यहाँ पर हुआ था, जब इस तरह खोज हुआ यहाँ पर, तो उनको पता चलता है कि हम जो हैं एक सेंट्रल स्पीसीज जो है हम नहीं है, वहाँ पर हमारे अलावा जो है और भी चीज़ें जो हम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। द यूज ऑफ वेल रोड फॉर सी एंड लाइफ हाउस फॉर बॉडी आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाट लिटरेरी टेक्निक पॉपुलर इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन आप सभी ध्यान से पढ़ना। वेल रोड का यूज करना सी के लिए, लाइफ हाउस का यूज करना बॉडी के लिए, तो यहाँ पर ना सिम्बोलिज्म है ना ही सिमिली, आप कन्फ्यूज हो सकते थे मेटानमी में, बट गाइड्स का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी किनिंग। सो किनिंग इज यहाँ पर क्या, एक लिटरेरी टेक्निक है जिसमें हम चीज़ों को उसके नाम से ना बुला के किसके उससे मिलने वाली चीज़ों को बुलाते हैं, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री की बात हुई दोस्तों, ध्यान देना, अगर न्यू फिगर ऑफ स्पीच में देखते हो तो हम इसको आँख बंद करके यहाँ पर टिक लगा देते हैं मेटानमी को, बट यहाँ पर किनिंग है, ठीक है, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि ओर स्टीड को, ओर स्टीड को आप सब क्या बोल सकते हो, शिप बोल सकते हो, ठीक है। सो एक कंपाउंड एक्सप्रेशन था किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ को बोलने के लिए ना, 48 का डी, ठीक है, चलो अच्छी बात है जी, नहीं है, ठीक है, मीनाक्षी। टिनसन्स पोयम इन मेमोरियम वाज रिटेन इन मेमोरी, तो इन मेमोरियम के बारे में देखो डिस्कस किया है मैंने, टेनिसन के बायोग्राफी में भी आप वहाँ देख सकते हो। सो इनके फ्रेंड थे एच हेलम, उस पर इन्होंने लिखा था इन मेमोरियम को, ठीक। एडवर्ड किंग को आप सभी लोग याद रखिए किससे, डिसीडेंस, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट होगा। हु इज डिस्क्राइब्ड फॉर डिजनिटी कंपोज्ड एंड हाई एक्सप्लॉइट बट ऑल वाज फॉल्स एंड हॉलो। सो यहाँ पे किसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो रहा है गाइज यहाँ पे, सो ये बेलियाल के बारे में। वर्ड्स फ्रॉम विच लैंग्वेज बिगेन टू एंटर इंग्लिश वोकैबुलरी About the time of the Norman conquest in 1066, ठीक है। तो देखो गाइज मैंने आपको क्लास में भी बताया बहुत बार, अब मीनाक्षी किनिंग का मीनिंग वही होता है जो मेटानमी का होता है, ठीक है, मेटानमी वही, सॉरी किनिंग का मतलब वही होता है जब आप एक दो कंपाउंड वर्ड को जोड़ कर किसी दूसरे वर्ड के लिए आप यूज करते हो, तो वो एक लिटरेरी टेक्निक होती है जिसको हम सब किनिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्लास में बहुत ज़्यादा बताया था कि जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है, तो जो विलियम नॉर्मेंडी होता है वो फ्रांस से आता है और अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर आता है, ठीक है जी। 50 का है, ठीक है दीपक, बहुत अच्छे।
विच पीपल बिगेन देयर इन्वेजन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न ब्रिटेन अराउंड 450। तो 450 AD के आसपास कौन से लोग जो थे उन्होंने ब्रिटेन के ऊपर आक्रमण करना स्टार्ट किया था? तो देखो ये थे कौन, द एंग्लो सैक्सन्स। ठीक है, एंग्लो सैक्सन्स जो थे उन्होंने यहाँ पर अटैक करना शुरू किया था। नॉर्मन देखो 1066 में आते हैं। अच्छा ये देखो कुछ लंबा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम सभी लोग, छोटा कर दूँ मैं इसे। विच नॉवेल डिड T.S. एलियट प्रेज फॉर यूटिलाइजिंग अ न्यू मैथमेटिकल मेथड इन प्लेस ऑफ ओल्ड नैरेटिव मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द यूज ऑफ एंशियंट मिथोलॉजी इन मॉडर्निस्ट फिक्शन टू थिंक अबाउट मेकिंग द मॉडर्न वर्ल्ड पॉसिबल फॉर आर्ट। ये देखो क्वेश्चन, आप थोड़ा इसको ध्यान दे रहा हूँ। T.S. एलियट बेसिकली यहाँ पर किस बुक की तारीफ करते हैं? ठीक है, सो वो वर्क क्या था, उसमें उन्होंने यूटिलाइज किया था न्यू मिथिकल मेथड को, ना कि पुराना धुराना तो नेटिव मेथड चलाया था उसको। सो जेम्स जॉयस का जो वर्क था यूलिसीज, उसके बारे में यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली द आयरिश लिटरेरी थिएटर। तो इनमें से कौन सा जो था वह आयरिश लिटरेरी थिएटर का ओरिजिनल, द आयरिश नेशनल थिएटर एंड द एबे थिएटर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। वाट इवेंट अराउड अलाउड मेन स्ट्रीम द थिएटर कंपनीज टू कमीशन एंड परफॉर्म वर्क दैट वॉज पोलिटिकली सोशली एंड सेक्सुअली कंट्रोवर्शियल विदाउट फियर ऑफ सेंसरशिप। 55 नंबर क्वेश्चन देखो गाइज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो होता क्या था इससे पहले, अच्छा कंसर्न मैं कोशिश करूंगा करवाने की ना, अगर नहीं हो पाएगा तो देखो वही ऐसा है ना, मैं आपको उसका रीजन बता दूँ। जो पेपर है उसमें देखो लोगो वगैरह लगा हुआ है, सो वीडियो हो सकता है कि वो हो जाए उस पर स्ट्राइक वगैरह आ सकता है। तो मुझे, मैं पेपर अभी उसको टाइप करवा दूंगा, अगर हो पाता है ठीक है, मैं आपको करवाने की पूरी कोशिश रहेगी, अदरवाइज मैं आपको आंसर शीट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वो कौन सा, देखो होता क्या था एक समय टाइम पीरियड से पहले ना, लोग बहुत ही दिक्कत में रहते थे कि क्या वो लिखे क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा भय सा रहता था सेंसरशिप का। तो जब लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफिस का जब एबोलिशन होता है 1968 में, उसके बाद से ये फियर उनका समाप्त हो जाता है। ठीक है, सो 55 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, द सब्जुगेशन ऑफ वुमन इज अ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ। तो सब्जुगेशन ऑफ वुमन करके जो एक टेक्स्ट आया, एक वर्क आया, वो किसका वर्क है, ये आपसे 56 नंबर यहाँ बेसिकली पूछ रहा है। ठीक है, सो जॉन मिल करके एक व्यक्ति है, इनका जो टेक्स्ट था द सब्जुगेशन ऑफ वुमन 1869 में आया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम बाई टेनिसन इज अ मोनोड्रामा। तो इनमें से कौन सा जो पोयम है टेनिसन ने लिखा वो एक मोनोड्रामा है गाइस। 57 आपको पता होना चाहिए, मॉड नाम का जो इनका वर्क था, MAUD मॉड, सो मॉड इनका जो वर्क था वो क्या, एक मोनोड्रामा है। ठीक है, द लाइन सी ड्वेल्स विथ ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट बी। ठीक है, द लाइन सी ड्वेल्स विथ ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट बी। 59 नंबर ये कहाँ से दिया गया गाइस, तो ऑड ऑन मेलनकली करके जो एक वर्क है जॉन कीट्स का, उससे जो यहाँ पे लिया गया था ओड ऑन मेलनकली से। निगेटिव कैपेबिलिटी टू कीट्स मींस, देखो निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो कीट्स ने इसको दिया था। ठीक है, उसका मतलब क्या होता था कि ऑथर जो है इम्फेसाइज करे किसके ऊपर इम्फेसाइज करे, वो अपने कैरेक्टर्स के ऊपर, ना ही खुद के ऊपर। ठीक है, द एबिलिटी टू सिंपथाइज विथ अदर्स, नहीं बैड कहना भी नहीं, निगेशन ऑफ द वर्क नहीं, टू एम्फेसाइज। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो, आर्ट फॉर आर्ट सेक फाउंड इट्स ट्रू एडहेरेंट इन। सो आर्ट फॉर आर्ट करके जो ट्रू एडहेरेंट फाउंड करता है वो किसमें पाता है गाइस, 61 नंबर देखो। सो ऑस्कर वाइल्ड के वो सही जवाब होगा। ठीक है, इट एज द बेस्ट ऑफ टाइम इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। अच्छा ये पूछ रहा है, ये जॉन जो इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये किसकी ओपनिंग लाइन्स है, जो डिकेंस का एक वर्क था उस वर्क का नाम आपसे यहाँ पूछा गया है। तो गाइस बिल्कुल, अ टेल ऑफ टू सिटीज, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये शुरुआती जो 5-6 लाइन्स है पैराडॉक्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए। ठीक है, लिटिल नील का कैरेक्टर जो है वो किसका क्रिएशन है, द कैरेक्टर ऑफ लिटिल नील इज अ क्रिएशन ऑफ। तो गाइज आपको इसका पता चल गया होगा, लिटिल नाइल किसने क्रिएट किया था, सो इट वॉज क्रिएटेड बाई चार्ल्स
डिकेंस। आइडियलिस्ट ऑफ द किंग इज इलस्ट्रेशन ऑफ टेनिसन्स डीप इंटरेस्ट इन। तो जो आइडियलिस्ट ऑफ द किंग करके जो था वो टेनिसन का जो वर्क था उसमें टेनिसन ने क्या बताया, ठीक है। सो वो उसमें बहुत ही ज़्यादा इलस्ट्रेट करते हैं किसी राजा के रोल, द रोल ऑफ द किंग इज हाईली इलस्ट्रेटेड इन हिज वर्क। हु बिलीव दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवर फ्लो ऑफ इमोशंस। तो पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवर फ्लो ऑफ इमोशंस, यूपी टीजीटी वालों को पता होगा इसका जवाब, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। हु आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ अ पोयम अवोक एंड फाउंड हिमसेल्फ फेमस। तो इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो एक पोयम लिखते हैं ना और जब वो पब्लिश होता है वो उठते हैं वो खुद को फेमस पाते। तो गाइस बायरन, लॉर्ड बायरन जो इसका यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है। मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूँ बट जवाब नहीं दे रहा हूँ, अदरवाइज वो लेट होगा सेशन आपका। चलो, व्हाट इज द फर्स्ट एक्सटेंडेड राइटिंग स्पेसिमेन ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश का जो फर्स्ट एक्सटेंडेड राइटिंग स्पेसिमेन है उसका नाम आपसे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो देखो इसका जवाब मैंने बहुत बार दिया, मैं आपको फिर बता देता हूँ। सो जो बेट्स का वर्क था इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी बोथेस का और सेंट जॉर्ज का उसके बाद, ठीक है, और किंग अल्थबर्ट का, ये तीनों ऑप्शंस बहुत बाद में आते हैं। यहाँ पे सही जवाब इसका क्या हो जाएगा गाइस, बेट का इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। ओके चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वर्क बाई ग्राहम ग्रीन। तो इनमें से कौन सा वर्क जो है ग्राहम ग्रीन का वर्क नहीं है, 69 नंबर आपसे पूछ रहा है। सो गाइज आप ऑप्शन देखोगे तो आपको कुछ याद आता होगा, मैंने आपको कल बताया यहाँ पर इसके बारे में। चलो क्या होगा इसका, था पावर एंड द ग्लोरी, देखो किसके द्वारा लिखा गया, ग्राहम ग्रीन ने लिखा। हार्ट एंड द मैटर इनका वर्क द एंड ऑफ द ऑफ माइस एंड मैन के बारे में बात की जाए तो बेसिकली ये क्या था, एक नाटक है, एक ड्रामा है। इसके ऑथर का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऑथर का नाम से इसको ध्यान देना, जॉन स्टेनबेक, ठीक है। तो देखो दोस्तों आइए, दो मैंने आपसे कहा था ना कुछ मॉडर्न जो ऑथर्स हैं, देखो जॉन स्टेनबेक के बारे में बात किया तो 1937 में देखो इनका प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये सब मॉडर्न में आए अब, ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको। और एक मज़ेदार बात ये है कि ये क्या हुई थी, बैन कर दी गई थी, ठीक है। क्यों बैन कर दी गई, देखो ये बुक अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया क्यों है, क्वेश्चन में देने का इतने सारे क्वेश्चंस में। सो ऑफ माइस एंड द मैन वाज बैंड, इसको आप यहाँ से लिखो, बैन कर दिया गया था इसको बिकॉज ऑफ। इस बुक में बहुत ही ज्यादा वल्गर लैंग्वेज का यूज किया गया था, वर्गलेटी के बारे में इसमें बताया गया था ढेर सारी चीजें, ठीक है। इसमें रेसिज्म, ठीक है, रेसिज्म को बुराया किया, बुरा भरा कहा गया था। एंड इट्स ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, तो इस बुक में जिस तरीके से महिलाओं को के प्रति बातें की गई हैं, सो इस तरीके से इस बुक को यहाँ पर क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑफ माइस एंड मैन। देखो अभी जब आप क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर दोगे ना, सो ऑफ माइस एंड मैन आपके दिमाग में यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जॉन स्टेनबेक का वर्क था जो कि बैन हो गया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रिटोर्ट अ फेवरेट हेट्रोलिकल डिवाइस इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। अब यहाँ पे गाइस क्या बात हो रही है, रिटोर्ट LITOTE जो कि एक ओल्ड इंग्लिश का एक बहुत ही फेमस हेट्रोलिकल डिवाइस है, इसके बारे में पूछा कि रिटोर्ट को आप किससे जो है आप वहां से वो करते हो, ठीक है। नंबर 70 नंबर देखो, रिटोर्ट में क्या होता है गाइस, आप उसमें क्या करते हो, आयरोनिकली किसी बात को करते हो, उसमें आयरनी का आप यूज करते हो और स्टेटमेंट को अंडर रखते हो, ठीक है। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरोनिक अंडर स्टेटमेंट। ओके, आयरोनिक अंडर स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे आप रिटोर्ट का यूज करते हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज कंसिडर्ड अ डिवोटी ऑफ शिवालरी एज इट इज पर्सोनिफाइड इन सर रेंसिलेटो। तो सर रेंसिलेटो के बारे में आपका क्वेश्चन बनता है 71st नंबर। सो गाइज सर थॉमस मैलोरी का यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है। द यूज ऑफ वेल रोड फॉर सी एंड लाइफ हाउस फॉर एंड लाइफ हाउस फॉर बॉडी आर एग्जाम्पल ऑफ, ये तो रिपीट हो गया ना, ये कीनिंग का एग्जाम्पल होता है 72।
ठीक है, अब देखो 73rd नंबर क्वेश्चन, देखो आपके सामने जो 73rd नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन है आपसे करा यहाँ पे। एंकरिन रिवाल जो था एक मैनुअल था इंस्ट्रक्शंस का, ये किसके लिए था? सो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल था एक महिलाओं के लिए, क्या एंकरिन रिवाल करके जो एक वर्क है, ये बेसिकली एक मैनुअल स्क्रिप्ट था। मैनुअल स्क्रिप्ट ये किसके लिए था? महिलाओं के लिए था, और महिलाओं का इन द सेंस कि जब वो कुछ धर्म को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, जो रिलीजियस रिक्रूज को जब वो एक्सेप्ट करेगी, सो वहां पे क्या हो जाएगा उसके लिए इस टर्म का हम सब यूज करते हैं। ठीक है जी, हाँ क्लास को सबको लाइक कर दीजिए। चलो, हु वाज प्रेस्ड जॉन डन एज अ थॉट टू डन वाज एक्सपीरियंस इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी। तो जॉन डन की तारीफ इन शब्दों में किसने की है गाइस 74 नंबर में, कि जॉन डन को प्रेस किसने किया गाइस यहाँ पर, कि अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी। टी एस एलियट का ये रिमार्क है जॉन डन के बारे में। ठीक है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, ये लाइन कहाँ से आई है? ठीक है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो नंबर 75, ये लाइन दी गई है हैमलेट से। ठीक है, रोमांटिसिज्म के बारे में देखो यहाँ पे बात हो रही है। इट कैन बी पिन पॉइंटेड इज यूजुअली अज्यूम्ड टू डेटेड फॉर्म। सो यहाँ पूछा है कि रोमांटिसिज्म का स्टार्टिंग कब से हुआ गाइस, रोमांटिसिज्म का स्टार्टिंग कब से हुआ? तो आपको पता होगा जो लिरिकल बैलेट्स जो है पब्लिश होता है 1798 में, वहाँ से रोमांटिसिज्म का क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ रोमांटिक पोएट टू बी मोस्ट लाइकली टू यूज, तो इनमें से कौन सा जो रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने यूज किया था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ रोमांटिक पोएट बी मोस्ट लाइकली टू यूज एन एरी फेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। Which of the following factors contributed to literature becoming profitable business? अब देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर था जिससे लिटरेचर क्या हुआ है प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में वो ग्रो होता है। ठीक है, चलो, तो कमर्शियल एंड पब्लिक लेंडिंग लाइब्रेरीज वर एस्टेब्लिश इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर एन इनराइज रीडिंग पब्लिक, बिल्कुल। तो कमर्शियल और पब्लिक जो लाइब्रेरीज का स्थापना होता है वो भी सही था। एजुकेशनल एजुकेशन रिफॉर्म इंक्रीज लिटरेसी, ठीक है, देयर दस क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर कमर्शियल एंड पब्लिक लेंडिंग लाइब्रेरीज। ठीक है, तो एजुकेशन रिफॉर्म से क्या होता है गाइज, लोग पढ़े लिखे बन जाते हैं, पीपल हैड मोर लेजर टाइम टू रीड एंड मोर डिस्पोजल इनकम टू स्पेंड ऑन रीडिंग मटेरियल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका चारों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आज प्रेजेंट टाइम में ही बात कर लो, अगर आप एक लेखक हैं, एक फेमस रिओन्ड लेखक हैं, सो वो बहुत ही ज़्यादा आपको वहाँ पर यूजफुल होगा। ठीक है दीपक, बिल्कुल 1798। वर्ड्सवर्थ पोएट्री ऑलवेज रिफ्लेक्ट, तो वर्ड्सवर्थ के पोएट्री में ऑलवेज का रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, नहीं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का क्रिएशन नहीं था, एंड एन एंडोर्समेंट ऑफ द साइंटिफिक ट्रेडिशनल, बिल्कुल नहीं, साइंटिफिक वाला भी गलत होगा यहाँ पर। जो वर्ड्सवर्थ का खुद का जो फिलोसफी था ना, वो उनके पोएट्री में क्या होता था, रिफ्लेक्ट होता था। ठीक है, द लिटरेरी फिगर Who had the most pronounced effect on Keats? So Keats के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो था किस पे पड़ा था, और किस पे नहीं किसका पड़ा था। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने Keats के बारे में जब पढ़ा होगा, तो Keats के ऊपर जो था विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रभाव जो था बहुत ज़्यादा पड़ा था। ठीक है, शेली वॉज द फर्म बिलीवर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, वही क्वेश्चन आ गया देखो यहाँ पर, ह्यूमन कंडक्ट कन्विक्शन, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। ऑप्शन Shelley's poetry used for of the fellow following components for theme, explain. तो जो पी बी शेली का जो पोएट्री था उसमें कौन से चीज़ का यहाँ पे यूज नहीं किया गया है गाइस, तो आपको पता होगा उसमें पैशन था, उसमें नार्सिसिज्म था, इमोशनल सेल्फ इन्फ्लुएंस तीनों उनके पोएट्री में थे, बट उन्होंने कभी भी भगवान की वर्शिप नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ना। द प्रोज ऑफ द रोमांटिक पीरियड हैड अ टेंडेंसी टू, जब रोमांटिक पीरियड का जो प्रोज था उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो जी खुशी, ठीक है मीनाक्षी, दीपक, कंचन, चलो। सो उसमें ऑब्जेक्टिफाई द इशू इन टर्म ऑफ द कॉज, ठीक है, एडवांस अ सिंगल सिस्टम टू पब्लिक, नहीं,
allow the writer to draw on his नहीं be brooding and meditative his own personality. ठीक है, ये his own personality यहाँ रहेगा. तो नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था. तो जो ऑब्जेक्टिफाई किया उन्होंने, जो इशू था उस समय पे, ठीक है, ऐसा ऑप्शंस इसके पूरे नहीं है, पर ठीक है, इसका ये करेक्ट होगा. चार्ल्स लैम ड्रीम चिल्ड्रन इज ए नोटेबल फॉर इट्स. तो चार्ल्स लैम का जो वर्क था ड्रीम चिल्ड्रन, वो किस लिए नोटेबल किया था? क्रशिंग ट्रेजेडी, ह्यूमर, ठीक है, हिम्सिकल पैथोस एंड सिनिज्म. तो बताओ गाइस इसका सही जवाब क्या हो जाएगा. ड्रीम चिल्ड्रन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, चलो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रीम चिल्ड्रन क्यों फेमस था. जो इसमें जो अनप्रिडिक्टेबल चीजें हुई थी, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, हिम्सिकल पैथोस. ओके, द विक्टोरियन एज कैन बी डेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एंड ईयर्स. सो विक्टोरियन एज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इवेंट और ईयर ऐसा घटा था जिसमें आप सब जो है विक्टोरियन एज को आप वहां पे कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, चलो, सो देखो ऑप्शन नंबर 1859 यहां पर कह रहा है गाइस, ये आपका यहां पर गलत होगा. रिफॉर्म बिल 1832 ठीक है, बट टू द एंड ऑफ बोर वार 1902. तो 1902 नहीं, क्वीन विक्टोरिया की डेथ जो 1901 में हो गई थी, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा. बर्थ ऑफ टेनिसन एंड हिज डेथ, नहीं ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है, सो आई थिंक दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस जो है छूट चुके हैं ना, ये 85 के बाद ये छूट चुका है यहाँ पर. तो आपसे अगर कभी पूछे ना, तो आप याद रख लेना इसका जवाब क्या होता है. इसका जवाब होगा 1830 में जब टेनिसन के जो पोएम्स आते हैं वहां से देखकर क्वीन विक्टोरिया की डेथ तक. ठीक है, डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया और टेनिसन के पोएम्स की शुरुआत 1813 से. ठीक है, अब डेट देखो आपको 1832 भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, 1837 भी देखने को मिल जाता है. तो वो ठीक है, आप ऑप्शन पे जा सकते हो. 1837 जो डेट होगा वो ज़्यादा आपको अप्रोप्रिएट वहाँ आप कंसिडर करोगे, क्योंकि 1837 में क्वीन विक्टोरिया का वहाँ से शासन शुरू हो जाएगा. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, ये मिलान वाला क्वेश्चन है. ठीक है, कह रहा है कि आयंबिक का मतलब क्या होता है गाइस. आयंबिक का मतलब क्या होता है? आयंबिक का मतलब होता है, मुझे भी याद आ रहा है, मैंने आपको बताया है, यूएस प्लस एसएस, मतलब कि दो अनस्ट्रेस्ड लेबल्स आगे रहते हैं. हाँ ठीक है दीपक, और उसके बाद एक स्ट्रेस्ड लेबल्स को फॉलो करता है. तो ए का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री. ठीक है, यूएस प्लस एसएस का कि हमने आयंबिक को याद किया हुआ है. ठीक है, देखा जाए अगर, नहीं नहीं यूएस प्लस एसएस, अच्छा ठीक, थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, यूएस प्लस एसएस ठीक है, बट वहां पर एक ही होता है ना. एक वन हो जाएगा एंड आई एम एक स्ट्रेस लेवल ही रहता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यूएस प्लस एसएस था, वो एक ही होगा. ठीक, कंफ्यूजन थोड़ा हो गया था. बी के बारे में बात की जाए तो एनाप्लेस्टिक का मतलब होता है दो अनस्ट्रेस्ड लेबल रहते वो फॉलो करते एक स्ट्रेस्ड लेबल को. ठीक है जी, ए का ही. ट्रोकेक के बारे में बात करें अगर हम सब, ट्रोकेक के बारे में तो आपको याद होना चाहिए, वो इसका फॉर्मूला होता है गाइस, एस एस प्लस US. ठीक है, इसमें दो US आते हैं गाइस बेसिकली. सो इसका हो जाएगा, C का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? C का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C2, डेक्टिलिक ना, स्ट्रेस लेवल और यहाँ पर दो. और ट्रोकेक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, तो देखो ये कूट वगैरह वाले क्वेश्चंस बहुत दिमाग खराब करते. तो A का हो गया दोस्तों आपका 1, ठीक है, बी का आपका हो गया 3, सी का आपका हो गया 2 और डी का आपका हो गया 4. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपका दिमाग खराब करेंगे बिल्कुल. 1, 3, 2, 4,
1324 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है चलो, द सेपरेशन ऑफ स्टाइल्स इन अकॉर्डेंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे एग्जाम में, मैंने मीटर फॉर्म वगैरह आप एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। द सेपरेशन ऑफ स्टाइल्स इन अकॉर्डेंस विथ क्लास अपीयर्स मोर कंसिस्टेंटली इन डैश देन इन मेडिवल वर्क्स ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स। तो किसके वर्क में हमें ये देखने को मिलता है? ठीक है, अपीयरेंस सेपरेशन ऑफ स्टाइल्स के बारे में बात करूँ तो विलियम शेक्सपियर के बारे में हम इसको यहाँ पर मान सकते हैं। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम्स दिस कॉइनेस रेडी वर नो क्राइम। ये किस चीज का एग्जाम्पल है गाइस? नंबर 90 किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल किसका है दोस्तों? आयरनी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एनस्पेक्टिव क्या कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पर? एनस्पेक्टिव वन यू एनस्पेक्टिव का ठीक है, टू वन स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो बाय वन स्ट्रेस्ड। आई थिंक दीपक इसका सही है, अगर कुछ डाउट होगा तो मैं अभी देख लूंगा, तो टेलीग्राम पे आपको मैं बता दूंगा ना, कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो मैं इसके बाद फिर चेक करता हूँ। मेरे हिसाब से ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, इसको देख ही देते हैं। ठीक है, एनापेस्टिक का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है ना। चलो, ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन वाइज पूछा गया है ना, तो वो आपका क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी का थर्ड होगा। ठीक है, आपको अगर अमेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ टू शॉर्ट और अनस्ट्रेस लेवल फॉलोइंग बार वन लॉन्ग और स्ट्रेस लेवल, टू स्ट्रेस लेवल्स आर फॉलोड बाय अ स्ट्रेस लेवल, उसको हम सब एनापेस्टिक कर देंगे। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, सही है वो क्वेश्चन का। स्पेंसेरियन स्टेंजा में गाइस कितनी लाइंस होती हैं? अच्छा, पैराडॉक्स और आयरनी में डिफरेंस। ठीक है, देखो आयरनी क्या होता है? आयरनी का मतलब होता है जो बात आप बोल रहे हो उसका जस्ट अपोजिट होगा उसका मीनिंग। ठीक है, और पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स आपको ऐसे दिए जाएंगे जो एक दूसरे को क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मतलब कहने क्या हुआ? पैराडॉक्स मतलब जैसे कि हमने दिखा ए और ए इज बी और बी इज ए, ऐसा करके हमने कुछ इसमें दिखते हैं ऐसे कि दो सेंटेंस एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आयरनी का मतलब आप कह तो रहे हो कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत गधा है और आप उससे कह रहे हो कि भाई तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, तो वो होती है आयरनी। ठीक है चलो, 91st के बारे में बात की जाए दोस्तों, स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइन्स पाई जाती है? सब प्यार से बोलो 8 iambic pentameters। ठीक है, 8 iambic pentameters उसमें होता है। देखो यहाँ पर फिर एक कोड वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम सब। कोड्स जो हैं ऐसे ही परीक्षा में दिमाग खराब करेंगे आपका। तो क्रिटिक का नाम दिया गया लिस्ट वन में, और लिस्ट टू में देखो थ्योरी का नाम दिया गया। ठीक है, सो इसका जो है क्लियंथ ब्रुक्स ने जो कॉन्सेप्ट किसका दिया था गाइस? क्लियंथ ब्रुक्स ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है पैराडॉक्स का। ठीक है, एक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए का टू करेक्ट हो गया, ए का टू करेक्ट हो गया। विलियम एम्सम की करेक्टिव थ्योरी थी एम्बिग्यूटी की। ठीक है, तो बी का आपका क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर वन हो गया। मार्क स्कोलर का जो थ्योरी था, तो मार्क स्कोलर की थ्योरी का नाम है टेक्निक्स एज डिस्कवरी, सो सी का फोर हो गया। एंड मॉड बोटकिन का नाम था वहाँ पे आर्कटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री, तो डी का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, सो 2143 करके जो इसका कोड बनेगा हमारा यहाँ पर ना, 2143। चलो, सो ऑप्शन नंबर ए 2143। ठीक है, 91, 92 हो गया। 93 की ओर बात करें, द आर्टिस्ट में बी प्रेजेंट इन हिज वर्क लाइक गॉड इज क्रिएशन इनविजिबल एंड अलमाइटी everywhere felt but nowhere seen. Henry James is talking here about the artist. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Henry James का एक रिमार्क दिया गया है जिसमें Henry James कहते हैं कि जो आर्टिस्ट क्या कहता है, वो बताता है गॉड जो है चारों तरफ है, इनविजिबल है, अलमाइटी है,
सब तरह से महसूस होता है, बट कहीं भी हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट है वो अपनी इम्पर्सनैलिटी को शो करवाता है, ठीक है। द ग्रेटनेस ऑफ अ पोएट, मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि लाइज इन हिज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ, बट अ क्रिटिक पॉइंटेड आउट इट वॉज नॉट अ हैप्पी वे ऑफ पुटिंग इट, एज इफ आइडियाज वर अ लोशन फॉर द इनफ्लेम्ड स्किन ऑफ सफरिंग ह्यूमैनिटी। तो ये क्रिटिक, किस क्रिटिक का नाम आपसे यहाँ पे गाइस पूछा गया? देखो क्वेश्चन क्या था, आर्नोल्ड का मानना था कि द ग्रेटेस्ट ऑफ अ पोएट, हाँ पाए ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर क्या था, क्रिटिक जो टी एस एलियट बेसिकली इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। टी एस एलियट का कहना था कि जो जो हम लिखते हैं ना, द लाइज इन इज ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, जो हम लाइफ के आइडियाज को लिखते हैं, तो टी एस एलियट का कहना था कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। जैसे मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा कि जो लेखक होता है, जो लिखता है चीज़ों को, जो पोएट होता है, वो अपने जीवन की सबसे पावरफुल और ब्यूटीफुल चीज़ों को लिखता है, ठीक है। उसी पर टी एस एलियट आगे कहते हैं कि वो ठीक है, लिखता है वो अपने ब्यूटीफुल पावरफुल इंसिडेंट्स को लिखता है, बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वो हैप्पी वे नहीं है, वो मतलब खुश होकर नहीं लिखता है। किस तरह से लिखता है? वो लिखता है जैसे कि जले हुए स्किन के ऊपर कोई लोशन लगाता है, ठीक है। जो सफरिंग ह्यूमैनिटी और जो मानवता सफ़र कर रही है उनको वो कहते हैं कि एक जला हुआ स्किन है, और हम कभी क्या करते हैं उस पर जो है पोएट्री का लोशन लगाते हैं। उस इस तरीके का जो रिमार्क है टी एस एलियट यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये आपका फिर क्वेश्चन एक मैचिंग वाले क्वेश्चन से, इसको देखिएगा। ऑथर है और वर्क है, ऑथर एंड वर्क का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सो देखते हैं, यहाँ पर एक ही बात हो रही है, लूसी हसिनसन। तो लूसी हसिनसन का जो वर्क है गाइस वो है द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बर्नियन, ठीक है, जॉन बर्नियन, ओके बी का। तो ठीक है, चलो चलो इसको देखते हैं हम सर। तो लूसी हसिनसन का वर्क था मेमोरीज ऑफ द लाइफ ऑफ कर्नल हसिनसन। ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे सामने ए का हो गया 4, ए का क्या हो गया दोस्तों 4 हो गया। बी के बारे में बात करें, जॉन बर्नियन का वर्क था सिल्वा, ये हमने डिस्कस किया हुआ है क्लासों में। सो बी का यहाँ पर हो गया क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। सी जॉन एल्विन का वर्क है द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैटमैन, सी का आपका 1 हो गया। और डी का तब बच रहा है ऑप्शन नंबर 3 नेचर्स पिक्चर्स, ओके। सो डी का यहाँ पर 3 हो गया, तो 4-2-1-3 हमारा कोड बनेगा एंड इट्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चंस बहुत डीप में बन के आए हैं, ठीक है। अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़े परेशान मत होइएगा जी रजनीश। इंक्लूड ग्रामर क्वेश्चन आ दीपक, कोशिश कर रहा हूँ ग्रामर क्वेश्चन में, कोशिश कर रहा हूँ कि रात में लेने की। देखो जैसे कल टीचिंग मेथड से क्वेश्चन प्रोवाइड करो, तो रात में एक क्लास लूँगा उस पर भी, ठीक है। चलो तो एक फिर कोर्ट्स वाले क्वेश्चन आ गए, इसको देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पर है ना, तो कोड आप यहाँ पे देखो, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आप कोड्स वगैरह का मतलब उतना नहीं रहेगा हमारा। बट डीड्स एंड लैंग्वेज सच एज मैन डू यूज एंड पर्सन सच एज कॉमेडी वुड चूज व्हेन वी यूड शो एन इमेज ऑफ द टाइम एंड स्पॉट विथ ह्यूमन फॉलीज नॉट विथ क्राइम। ये जो जॉनसन की जो लाइन्स है, बेन जॉनसन की जी 95 जॉन बर्नियन 1 ना, जॉन बर्नियन का मुझे भी लग रहा था जॉन बर्नियन का 1 ही होना चाहिए, ठीक है। ना जॉन बर्नियन का द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन लग रहा था मुझे इसका। चलो इसको अभी हम देखते हैं ना, इसको लास्ट में देखते हैं एक बार फिर से, लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसको चेक करेंगे अभी हम लास्ट में। तो इसको पहले देखते हैं कूट वाले क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर बेन जॉनसन की इस बारे में बात करें दोस्तों, ये आप समझिएगा, तो अपोजिस द आर्टिफिकलिटी ऑफ द रोमांटिक ट्रेजिक कॉमेडीज इनिशिएट्स द यूज ऑफ रियलिज्म कंसिडर्स एनालिसिस ऑफ मॉरल शॉर्ट कमिंग्स मोर इम्पॉर्टेंट इनकरेज द यूज ऑफ फार्स विथ मेरोडा। देखो फार्स का यहाँ पे इनकरेज ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1-2-3 करेक्ट हो जाता है, जो कि ए में दिया हुआ है। 95 कुछ लास्ट क्वेश्चन देखो हमारे सामने दिए गए, उसको देख लेते हैं।
दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज रार्थ और माइट एक्सटोर्ट फ्रॉम मी पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में, यहाँ पर किसकी ग्लोरी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बात किया है दोस्तों, यहाँ पर होती है, कहा जा रहा है, हाँ मीनाक्षी ना, मुझे लग ही जाता है, चलो इसको देखते अभी हम, मैंने क्लास में पढ़ाया था, मुझे याद भी था ये बैडमैन वाला। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, सेटन के। तो सेटन कहता है जो करेज जो साहस उनके पास, जो ही वो कभी सबमिट नहीं करेंगे ना ही उससे वो कभी हार मानेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ नोबल विदाउट प्रीडिसेसर्स, ठीक है। तो कौन सा नोबल जो है विदाउट प्रीडिसेसर्स था, द प्रोडक्ट ऑफ एन ओरिजिनल माइंड एंड बिकम इमीडिएटली पॉपुलर, इट इज अ पिकुलर ब्लेंड ऑफ पैथोस एंड ह्यूमर, दो द पैथोस इज समाइम ओवर डन टू द पॉइंट ऑफ बिकमिंग ऑफेंसिव सेंटिमेंटल, द नोबल वॉज पब्लिश इन 1760। उस नोवेल का आपसे जो यहाँ पे नाम पूछा गया, एक बार क्वेश्चन आपसे पढ़ दो अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर में बना हुआ है, ठीक है। चलो तो क्या होगा इसका, गुलिवर्स ट्रेवल्स, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ट्रिस्ट्राम, सैंडी, अ टेंडर हस्बैंड, ठीक है। सो आप यहाँ पे गुलिवर्स ट्रेवल कंसीडर करते, बट ये पब्लिश 1760 में नहीं हुआ है। ये कब पब्लिश हुआ है गाइस, 1726 में पब्लिश हुआ है, और इसका सही जवाब होगा ट्रिस्ट्राम सैंडी। देखो ट्रिस्ट्राम सैंडी के बारे में अगर बात की जाए, तो ट्रिस्ट्राम सैंडी क्या, एक पूरे इसके टाइटल की बात करूँ अगर मैं, तो द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्राम सैंडी जेंटलमैन, ठीक है। लॉरेंस स्टर्न की ये पुस्तक थी, बेसिकली यहाँ पे 1760 दिया गया गाइस, बट इसका पब्लिकेशन 1759 से लेकर अगले 7 सालों तक जो है, अगले 7 सालों तक जो है वो होता है। अच्छा मीना 96 में क्या करना था, तो 96 में जो ऊपर लाइंस दी गई थी ना, ऊपर इन लाइंस का मतलब आपसे पूछा कि बेन जॉनसन जो है इन लाइंस में किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है अपोज करते हैं रोमांटिक ट्रेजी कॉमेडी को, ठीक है, रियलिज्म को ये प्रमोट करते हैं, और यहाँ पे मॉरल शॉर्ट कमिंग जो है मोर इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे फार्स को ये इनकरेज नहीं कर रहे हैं लाइंस को, बेसिकली इसका यहाँ पे मतलब था। 99 की ओर बढ़ते हैं, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, टिस फॉली टू बी वाइज, ये किसका लाइन है, 99 नंबर जो क्वेश्चन है, योर वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, टिस फॉली टू बी वाइज, ठीक है। जहाँ पे इग्नोरेंस क्या हो, वहाँ पे जो ब्लिस हो, मतलब इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में बेवकूफ़ होना, जहाँ पे महानता हो, तो वहाँ पे मूर्ख होना ही क्या होती है, होशियारी होती है। ये लाइन्स देखो गाइस बेसिकली जॉन थॉमस ग्रे का है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्क जो है प्रोज ऐसे नहीं है, 100 नंबर देखो, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी देखो एक प्रोज वर्क है, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ये भी देखो गाइस एक प्रोज था, एन ऐसे टुवर्ड्स अ न्यू थ्योरी ऑफ विजन ये भी क्या था, एक प्रोज था, बट ऐसे ऑन मैन क्या था, एक यहाँ पे गाइस एक प्रोज वर्क नहीं है, ठीक है। सो 100 क्वेश्चन हो चुके हमारे, थोड़ा फास्ट हुआ क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है। सो ऐसे और मेन के बारे में बात करूं तो ये अलेक्जेंडर पोप का वर्क है, इसको आपसे कंसिडर करते रहना, अलेक्जेंडर पोप का ये वर्क, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर जो बच रहा था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, ना ये जॉन बन्यान का ही वर्क है, ठीक कहा था आपने, ये जो वर्क है जॉन बन्यान का ही है, ये जो मेरे पास अगर आंसर की में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी ना, ये जॉन बन्यान का ही वर्क है, ये बी का ए करेक्ट होगा। सो बी का ए देखो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर मान के चलोगे, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन हमारे सामने हो गए 100, आज फिर कंप्लीट कर दिया हमने, कल और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है। चलो एक बार आप शेयर कर देना, बाकी आप पायल क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन टफ होने का रीज़न देखो मैं बता दूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन इसमें नेट के भी है ना, यूजीसी जो नेट पेपर करवाता है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा टफ थे, वो नेट लेवल का था,
वो ऐसे पेपर थे जिसको आपको 1-1.5 साल की तैयारी के बाद आप उसको दे पाओगे। बट क्या है, वहाँ फायदा भी वही होता है कि अगर टफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कुछ आसान आसान चीज़ों के साथ हम सब उम्मीद रहेगी कि डील आसानी से कर पाएंगे। ओके चलो, इनमें कुछ आसान भी थे, 25-30 क्वेश्चन एकदम ईजी थे जो आप देखते के साथ समझ गए होंगे उसका जवाब। 20 से 25 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट भी थे, तो कुछ क्वेश्चन जो वहाँ पे हार्ड भी थे, ठीक है। तो आपको एक थ्रू दी इन्फॉर्मेशन देना काम था, क्योंकि डी टी प्रेस में कोई 4-5 ऑथर तो है नहीं कि उन्हीं के आसपास डिस्कशन होगा, इसमें तो ढेर सारे ऑथर्स हैं। सो अपने डिस्कशन का हमें एरिया भी बड़ा रखना पड़ेगा ना। कोई डाउट तो पूछ लो ना, कोई डाउट हो अगर आपको। हाँ मीनाक्षी, लिटरेचर पे 100 क्वेश्चंस हो रहे हैं, आई थिंक करीब 250-300 क्वेश्चन हो चुका करवाते करवाते मुझे, ठीक है। हाँ पारुल, क्वेश्चंस टफ हैं, बिल्कुल टफ हैं, तभी तो मजा आएगा जी। थैंक यू पायल, दीपक थैंक यू ना। तो 100 क्वेश्चंस रोज हो रहे, देखो कब तक ऐसे होता है। कुछ वन लाइनर्स में प्रोवाइड करवाऊंगा, कुछ डीप नॉलेज भी आपको दिलवा दूंगा। अब ठीक है, तो रात में मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।